सिक्रीटरी ओटाइटिस मीडिया। तो सिक्रीटरी ओटाइटिस मीडिया को ग्लू ईयर भी कहते हैं। पहले अपन कैसे याद रखेंगे, एक शब्द याद रखो बस, इंसीडियस कंडीशन है। यह क्या है? इंसीडियस कंडीशन है, कैरेक्टराइज बाय, इसमें क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन प्रूलेंट इफ्यूजन। ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन प्रूलेंट इफ्यूजन इन द मिडिल ईयर क्लेफ्ट। ठीक है, जो आपका जो इफ्यूजन है वो कैसा होता है, ज़्यादातर तो थिक होता है और बिस्कोइड होता है, लेकिन समटाइम थिन और सीरस भी हो सकता है। फ्लूड इज नियरली स्टेराइल। ठीक, क्यों होता है वो हम पैथोजेनेसिस में देखेंगे। कॉमनली सीन इन स्कूल गोइंग एज। ठीक है, अब पैथोजेनेसिस की बात की जाए तो दो प्रकार से होता है, एक तो होता है माल फंक्शनिंग ऑफ यूस्टेचियन ट्यूब, या फिर सिक्रेटरी एक्टिविटी बढ़ गई है आपकी मिडिल ईयर म्यूकोसा की। माल फंक्शनिंग ऑफ द यूस्टेचियन ट्यूब कैसे हुआ, दो प्रकार से हुआ, या तो फेल टू एरेट द मिडिल ईयर, मिडिल ईयर को मतलब एरेट करने में दिक्कत आ रही है यूस्टेचियन ट्यूब को, या फिर अनेबल टू ड्रेन द फ्लूइड, जिसके कारण क्या है, माल फंक्शनिंग ऑफ द यूस्टेचियन ट्यूब के कारण होता है। ठीक है, दूसरा क्या है, सिक्रेटरी एक्टिविटी बढ़ गई, कैसे, नंबर ऑफ द म्यूकस या फिर सिक्रेटरी सेल के नंबर ज्यादा बढ़ गए हैं। ठीक है, इटियोलॉजी की बात की जाए तो माल फंक्शनिंग ऑफ द इटियोलॉजी, माल फंक्शनिंग ऑफ द यूस्टेचियन ट्यूब कैसे हो सकती है, या फिर एडिनोइड की हाइपरप्लेजिया हो गई, क्रोनिक राइनाइटिस, राइनोसाइनाइटिस, ठीक है, क्रोनिक ट्रॉन्सिलाइटिस, बिनाइन मैलिग्नेंट ट्यूमर होगा, प्लेट डिफेक्ट होगा, जिसके कारण क्या, यूस्टेचियन ट्यूब पे प्रेशर लगेगा। ठीक है, और क्या कारण हो जाएगा, या फिर एलर्जी होगी, या फिर एलर्जी, या फिर अनरिजोल्व ओटाइटिस मीडिया, अपने देखा था ना, ओटाइटिस मीडिया में अच्छे से आपने एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट नहीं दिया तो ये हो सकता है। ठीक है, अनरिजोल्व ओटाइटिस मीडिया। उसके बाद क्या, वायरल इन्फेक्शन, जैसे कि एडिनो वायरस या फिर राइनो वायरस, उसके कारण भी हो सकता है। क्लिनिकल फीचर की बात की जाए तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सिम्टम। सिम्टम क्या आ जाएगा, हेयरिंग लॉस होगी, कितना, ये भी इंसीडियस ऑनसेट की होती है, और इसमें क्या, लेस देन 40 डेसिबल हेयरिंग लॉस ही होता है। ठीक है, डिले एंड डिफेक्टिव स्पीच रहेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिले एंड डिफेक्टिव स्पीच, क्योंकि बच्चा सुनेगा नहीं तो बोलेगा कैसे। ठीक है, और माइल्ड ईयरएक भी रहता है इसमें। अब हम साइन देख लेते हैं। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जब हम देखेंगे ना तो हमें डल और ओपेक मिलेगी। ठीक है, उसमें लाइट रिफ्लेक्स होगा वह चला जाएगा, लॉस ऑफ लाइट रिफ्लेक्स हो जाएगा। अपेयर कैसी दिखेगी, येलो दिख सकती है, या फिर ग्रेइश, या फिर ब्लूइश दिख सकती है कलर में। फ्लूइड और एयर बबल भी दिख सकते हैं आपको, फ्लूइड और एयर बबल भी दिख सकते हैं। फ्लूइड कैसा दिखेगा आपको, अपन ने बोला था ना, फ्लूइड जब थिन रहेगा और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन अपनी जो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रहेगी ना, तब आपको दिख सकते हैं। ठीक है, मोबिलिटी क्या हो जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मोबिलिटी ऑफ द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन इस फेज में रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, मतलब घूमेगी नहीं टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। हेयरिंग टेस्ट की बात की जाए तो ट्यूनिंग फोक टेस्ट करोगे आप तो वही कंडक्टिव हेयरिंग लॉस मिलेगा, ऑडियोमेट्री करोगे आप तो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस मिलेगा, और कितना है, 20-40 डेसिबल का अपने बोला था, इतना हेयरिंग लॉस मिलेगा। और ये क्या है, कभी कभी एसोसिएटेड रहता है SNHL के साथ भी, क्यों, क्योंकि फ्लूइड अगर प्रेशर लगाएगा राउंड विंडो पे तब, ठीक है, लेकिन बहुत कम ही। अब अपन इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री की बात की जाए तो वी टाइप का कर्व मिलता है अपने। एक्सरे मेस्टोइड में क्या मिलेगी, क्लाउडिंग ऑफ द एयर सेल मिलेगी ड्यू टू फ्लूइड। ट्रीटमेंट की बात की जाए तो वही है, मेडिकल और सर्जिकल। मेडिकल में आप क्या दोगे, डीकंजेस्टेंट दोगे, एंटी एलर्जिक दोगे, एंटीबायोटिक दोगे। ठीक है, एंटीबायोटिक क्यों दे रहे हो, अरे आपको जब एक्यूट ओटाइटिस मीडिया हुआ था ना वो अच्छे से ट्रीट नहीं हुआ था, तो आप ट्रीट करो ना उसको। मिडिल ईयर में एरेशन करना है आपको, है ना, कैसे करोगे, आप रिपीटेड बाल सलवा करो, ये बहुत अच्छी मेथड है। आपको पोलिटराइजेशन कर सकते हो, या फिर यूस्टेचियन ट्यूब में कैथेटराइजेशन से कर सकते हो। सर्जिकल में क्या है, आपको मेरिंगोटोमी करनी है, वही ओपनिंग बना के आपको क्या निकालना है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में होल बनाओ और फ्लूड निकालो। कैसे, आपको अगर थिक होगा ना तो आपको क्या, सेलाइन और म्यूकोलाइटिक, जैसे कि अपना वो क्राइमोट्रिप्सिन की जरूरत पड़ेगी आपको, और आपको इसके साथ, हाँ, और आपको क्या है, दो इंसीजन देने पड़ेंगे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में, एक तो एंटीरियर इन्फीरियर और एंटीरियर सुपीरियर में, इसको बोलते हैं बीरकेन प्रोसीजर। फिर या फिर ग्रोमेट इंसर्शन कर दो, ये अच्छी मेथड है, ग्रोमेट इंसर्ट करो, वो प्रोवाइड करता है कंटिन्यू एरेशन टू द मिडिल ईयर। और कहाँ पे लगाते हैं अपने, एंटीरियर इन्फीरियर कॉर्डन में लगाएंगे। सर्जरी की बात की जाए तो सर्जरी, आप जैसे कि आपने पढ़े थे ना कि एडिनोइड की हाइपरप्लेजिया हो रही थी और क्रोनिक राइनोसाइनाइटिस थी, तो उनके लिए आप क्या कर सकते हो, सर्जरी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमने देख लिया सिक्योरिटी ओटाइटिस मीडिया। थैंक यू।